fight with Ijaz. They have not shown it. I had so many fights with Ijaz. I had a fight with Jasmine. I had arguments. I have kept my sides. Nothing. Nothing was shown. मैं तो क्योंकि वहां पे जो लोग बैठे हुए हैं उन्होंने 3 हफ्तों में भी इतना नहीं किया होगा जितना मैंने 2-3 दिन में कर लिया था. दे शोड नथिंग. आई फाउंड माय एविक्शन प्री प्लान्ड बाय द मेकर्स. दे गॉट मी इन द शो टू टुक मी आउट इन द शो. आई डोंट नो वेयर इट वाज अ पर्सनल वेंडेटा और व्हाट, बट देयर वाज समथिंग ऑफ. बिकॉज अगर आप मुझे पहले 3 हफ्ते के लिए क्वारंटीन रख रहे हो, आपने मेरा पूरा महीना वेस्ट कर दिया, आपने मेरे महीने वेस्ट करे हैं, उसके बाद फॉर दिस. तभी तो जब ब्रिंग बैक नैना चल रहा था तो आई वाज लाइक मुझे जाना ही नहीं है. अच्छी बात है कि मेरे 2 हफ्ते में मैं बाहर आ गई और मुझे पता चल गया क्या हो रहा था. ओके नैना, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर चैनल. थैंक यू सो मच. ओके नैना, आपका एविक्शन से काफी बहुत शॉकिंग था, क्योंकि आपके एविक्शन के बाद हमने ट्विटर पे देखा कि नैना का वापस लव करके ट्रेंड चलता था. देन हाउ दिस हैपेंड, जब फैंस ने इतना प्यार दिया कि ट्विटर पे इट वाज ट्रेंडिंग, ब्रिंग बैक नैना अगेन इफ इट वाज कूल, देन हाउ दिस हैपेंड, लाइक इट वाज वेरी 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 शॉक. आई वाज शॉक्ड. आई वाज नॉट इवन शॉक्ड. मुझे आई वाज शॉक्ड कि मैंने बाहर आके जो एपिसोड देखे उसमें तो मैं थी नहीं. Yeah. And I've done so much, Zoya. I have done so much in the show. I had fought. I had arguments. I had my opinions. I had like legit fights. मतलब ऐसी लड़ाइयाँ हैं कि मतलब they have shown nothing. So जब मैं निकल के आ गई हूँ तो I'm feeling very grateful that I'm out of that show. कि मैं तो करती रहती और वहाँ पे कुछ दिखाते ही नहीं. और it is very sad. That, हर चीज, चाहे वो मेरा टास्क हो बैग खींचने वाला, वो 20 मिनट तक मैंने निकी तंबोली से अपने एक हाथ से उससे बैग खींच के रखा हुआ था. They showed it for 5 seconds. Yeah. I had a fight with Ijaz. They have not shown it. I had so many fights with Ijaz. I had a fight with Jasmine. I had arguments. I have kept my sides. Nothing. Nothing was shown. नैना, इवन सलमान सर ने भी आपको के वॉइस कहा था कि लाइक आप दिख नहीं रहे हो, तभी भी आपको ये बात फटी. मैं तो मतलब इतना अपना मेरा रिएक्शन देखो तो मेरा रिएक्शन था क्या. मैं तो क्योंकि वहां पे जो लोग बैठे हुए हैं उन्होंने 3 हफ्तों में भी इतना नहीं किया होगा जितना मैंने 2-3 दिन में कर लिया था. तो उसके बावजूद मुझसे जब कहा जा रहा था कि मैं दिख नहीं रही हूँ तो मुझे लगा कि भाई ये लाल चश्मा है रेड जोन की निशानी. इससे अब इससे मैं डायरेक्ट रेड जोन में दिखूंगी और अगले हफ्ते वही होगा तो कि मेरे को रेड जोन में फेंक दिया गया. और ना so, जो नॉमिनेशन टास्क हुआ था जहाँ पे शादी और आपने फुल अंडरस्टैंडिंग से आप दोनों ने रेड जोन में चले गए थे, आपको एट एंड आपको ये लगा से लड़ना चाहिए था मुझे शादी से वो देना चाहिए था सो दैट आप इफेक्ट नहीं हो. देखिए वो था बातचीत और सूझबूझ से. वो था हमारी बहुत लंबी बात हुई है उस टास्क के दौरान जहाँ पे कैमरा पवित्रा के रोने पे ज्यादा फोकस था देन हमारे टास्क पे हम क्या बोल रहे हैं. तो पब्लिक ने ये भी नहीं सुना कि हम लोगों ने क्या बात करी है. बेसिकली वो दिखा रहे हैं कि अंदर पवित्रा रो रही है क्योंकि उसे सेव नहीं करा जो भी उनका एक्स वाई जेड रीजन था. अब आप ये बताओ Until I am Nikki Tamboli, मैंने खींचा और अपने कहीं डाल लिया. That was one thing. Otherwise, वो ऐसा ही था कि अगर लड़का अपने हाथों से यू पकड़ ले, you can't take it. आपकी खींचा तानी होंगी, कपड़े वपड़े इधर उधर होंगे, चोट वोट लगेगी, बट बाई द एंड ऑफ द डे वो रहेगा लड़की के पास ही. क्योंकि आप जब स्ट्रेंथ की बात आती है, चाहे मुझमें कितनी भी ताकत क्यों ना हो, बट जब लड़का अपनी ताकत लगाएगा बाई द एंड ऑफ द डे, तो वो मेरा उसमें यही था कि अगर मैं रेड जोन में जाऊंगी तो मैं आपको लेके जाऊंगी तो हम दोनों ही साथ चलते ना. फिर तो वो भी इट इज कॉल्ड अ स्मार्ट प्ले. अब आप बताओ कि अगर 2 वाइल्ड कार्ड है दोनों को, अगर मैं अंदर जा रही हूँ तो मेरे चांसेस ज्यादा है, अगर फिर मैं आपको लेके जाऊंगी तो हम दोनों में सब डिसाइड कर लो. तो दैट वॉज माई वे ऑफ प्लेइंग. आई थिंक आई प्ले विथ
यूजिंग माई ब्रेन्स, मुझे ये नहीं, मुझे गंदगी, मुझे गाली गलौज, मुझे ये सब नहीं मैं करती हूँ. बट उन लोगों को आई थिंक ये ही नहीं चाहिए, बस यही चाहिए कि गाली गलौज होता रहे तब तक सही है. जब आप एडिक्ट हुए थे तब आई टेल यू माय पर्सनल पॉइंट कि मुझे लगा था कि साधु कहीं ना कहीं एडिक्ट हो जाएंगे, बट योर एडिक्शन वाज लिटरली आई वाज ऑन वोटिंग से भी मैं जीत रही थी, मैं तो वोटिंग से भी जीती हूँ, मुझे तब भी निकाल दिया. और कहीं ना कहीं आपको लगता है ना शार्दुल सिर्फ बच्चे हैं सिर्फ और सिर्फ सिंपैथी के लिए, क्योंकि कई सारे फैंस जो है उन्होंने ये कहा है कि शार्दुल सिर्फ और सिर्फ सिंपैथी के वजह से बच्चे हैं, जो कि उन्होंने बिग बॉस के असर कहा है कि उन्हें ये पूरे लॉकडाउन में उन्हें बहुत सफर करना पड़ा, काफी फाइनेंशियल प्रॉब्लम थे. कई सारे फैंस ये कह रहे थे कि शार्दुल जो बच्चे हैं वो सिर्फ और सिर्फ सिंपैथी के वजह से, आपको भी कहीं ना कहीं लगता है कि ये हो सकता है? सबका अपना अपना वे ऑफ प्लेइंग होता है. समबडी वॉन्ट्स टू प्ले अ सिंपैथी कार्ड, समबडी वॉन्ट्स टू प्ले अ चैरिटी के, समबडी वॉन्ट्स टू प्ले अ विक्टिम, वो उनका लुकआउट है. अब बात मुझे क्या गलत लगी कि उन्होंने जो बोला बोला, जो मैंने बोला अपने टूवर्ड्स मेरी पर्सनल लाइफ को लेकर आपने वो भी नहीं दिखाया. तो मतलब वहां पे आई थिंक एवरीबडी समवेयर ऑन द अराउंड व्हेन यू आर इन द हाउस एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट देयर पर्सनल लाइफ्स, बट वहां पे दे चोज टू शो दैट नैना के पास तो, नैना को तो सिर्फ मेकअप से मतलब है, नैना को सिर्फ महंगे कपड़ों से मतलब है, उसके पास घर है गाड़ी. अरे आप लोगों ने मेरा स्ट्रगल देखा है, आप लोगों को पता है कि मैं डिप्रेशन में थी या नहीं थी, आपको पता है मैं यहाँ तक कैसे पहुंची हूँ. तो मतलब आई थिंक कहना is one thing ki chalo keh diya, but makers also by the end of the day, agar maine bhi udhar kuch apni baat boli, agar aap kisi aur ka sympathy dikha rahe ho, kisi aur ki baat bol rahe ho, to mujhe galat mat dikhao na. Galat dikhana bhi hai to meri baat to dikha do kam se kam. Yeah, what I have said, so they have shown nothing out of me, like nothing. They have just shown me as one bimbo who has done nothing in the show. मतलब सलमान सर के सामने मैंने जब स्टेज पे शार्दुल को सुना दिया था, आपको लगता है मैं घर पे जाके कुछ नहीं करती? और INS और कहते हैं INS के निकी को मैंने ये तक बोल दिया था कि सारा की आंख में चोट लगी, मेरे अगर चेहरे पे खरोच भी आ जाए ना मैं मुंह नोच लूंगी, मैंने ये तक बोला जाते, ये भी नहीं दिखाया. दे शोड नथिंग. I found my eviction pre-planned by the makers. They got me in the show to took me out of the show. I don't know where it was a personal vendetta or what, but there was something off. Because agar aap mujhe pehle 3 hafte ke liye quarantine rakh rahe ho, aapne mera pura mahina waste kar diya, aapne mere mahine waste kare hain, uske baad for this. तभी तो जब ब्रिंग बैक नैना चल रहा था तो आई वाज लाइक मुझे जाना ही नहीं है. अच्छी बात है कि मेरे 2 हफ्ते में मैं बाहर आ गई और मुझे पता चल गया क्या हो रहा था, कम से कम मेरा और टाइम तो वेस्ट नहीं होगा ना. एट दिस पॉइंट डू यू थिंक सो इट वाज अ डिसअपॉइंटिंग डिसीजन ऑफ योर्स टू चूज बिग बॉस 14? सी इट्स देयर लॉस नॉट माइन. मैं जो बिग बॉस के बाद काम करूं करती वो अब, मतलब जो 3 महीने बाद करती वो मैं अभी भी करूंगी. मेरे लिए देयर इज नो स्टॉपिंग, नो बिग बॉस कैन स्टॉप मी, नोबडी एवर. अभी तक मुझे इतनी धमकियां मिली हैं, इतना मेरे साथ सब कुछ हुआ है, नोबडी कुड स्टॉप मी एंड कोई मुझे नहीं रोक सकता. तो आई विल डू व्हाट आई हैव टू डू बाय द एंड ऑफ द डे, बिग बॉस और नो बिग बॉस. सभी का सवाल है, सबको ये लगता है कि जान को कहीं ना कहीं बचाने के लिए बिग बॉस जो है वो बायस्ड हो रहे हैं, जान को कहीं ना कहीं बचाए रखे हैं बिग बॉस 14 के अंदर. आपको भी लगता है बिग बॉस बायस्ड हैं जान के? मैं बायस्ड क्या ही बोलूं, मैं बायस्ड तो नहीं बोल रही, बट मैं ये कह रही हूँ कि जो भी उनके फेवरेट्स हैं, जब भी उन पे जो बेसिकली जो सीन पलटना है वो सीन तभी पलटता है जब उनके लोगों के बात आती है. तो सीन पलटना इज नॉट द सीन पलट गया, सीन तभी पलटेगा जब, तो वो खुलेआम कर रहे हैं जो कर रहे हैं. सो आई वोंट से इट बायस्ड, इट्स खुलेआम हो रहा है जो हो रहा है. ओके, कविता कौशिक की वापस कैन
है, वन सेकेंड वाइल्ड कार्ड है। अभी रिसेंटली प्रोमो आया है जहाँ पे अली ने कविता के साथ झगड़े करते वक्त उन्होंने ये कहा है कि आप सिर्फ एजाज का मुद्दा लेकर ही चल रही हैं बिग बॉस के घर के अंदर, आपको क्या लगता है? बिकॉज भी आप उसकी फ्रेंड हैं, जब उसकी एंट्री हुई थी तो आप काफी इमोशनल भी हुई थी, तो आपको आपका क्या राय है? मैं अपने लिए रो रही थी क्योंकि मेरा इवेक्शन होते होते रह गया था। मैं किसी के लिए नहीं रो रही थी। आई वांट टू मेक इट क्लियर, आई वाज नॉट क्राइंग फॉर कविता। आई वाज द ओनली वन हु वोटेड हर आउट। मैं ही थी जिसने इकलौता वोट दिया था, तो मैं कविता के लिए नहीं रो रही थी। मैं इसलिए रो रही थी क्योंकि वो सैटरडे को आपने देखा होगा कि मेरा इवेक्शन हुआ, फिर सलमान सर ने कहा बैठ जाइए आज कोई इवेक्शन नहीं है। तो वो मोमेंट था जहाँ पे मैं, रुबीना सब रो रहे थे बिकॉज मेरा इवेक्शन होते होते रह गया था। So I was not crying. बट आपको क्या लगता है, अली को ये बात कही है, कविता को इसमें सच्चाई है? मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि कम से कम उनके पास वो अपना गेम खेलने आई है, वो तुम्हारी तरह सपोर्ट नहीं बन के आई है किसी का। सो मैं ये कहना चाहती हूँ, तुम जैस्मिन के लिए खेलने आए हो या अपने लिए खेलने आए हो, पहले वो डिसाइड कर लो दोनों जने। कम से कम वो अपने लिए तो खेल ही रही है। ना अभी अभी तो 6 लोगों को नॉमिनेट किया है, अली जो कैप्टन है इस वक्त बिग बॉस के घर के अंदर, उन्होंने जान, अभिनव, रुबीना, निक्की और कविता कौशिक को एविक्ट किया है, प्लस एजाज खान। आपको क्या लगता है इस हफ्ते कौन एविक्ट होगा, फिर से जान को बचाया जाएगा? कि अब इनके वाइल्ड कार्ड्स जो थे उनको तो जो थे इन्होंने निकाल दिया। अब आप लोगों को खुद ही देखना पड़ेगा क्योंकि मुझे बिग बॉस देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कोई रहे कोई नहीं रहे, जो नहीं भी रहेगा उसके लिए भी अच्छा है कि बाहर की दुनिया बहुत बेटर है, और जो रहेगा वो भी अच्छा है क्योंकि तुम मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके नन्ना, बिग बॉस हाउस के अंदर रहकर आई है, जानना चाहेंगे फैंस का ये सवाल है कि इस वक्त घर के अंदर जो कपल बने हुए हैं, निक्की और जान का तो क्लियर रुबीना एंड अभिनव एंड आई डोंट नो एनी अदर कपल इन द हाउस, द ओनली कपल, रियल कपल। ओके अली ने जहाँ मतलब रुबीना और अभिनव को एज अ फ्रेंड अपनाया था बिग बॉस 14 के हाउस के अंदर, उन्होंने सबसे उन्हीं को एविक्ट कर दिया। आपको क्या लगता है, क्या कुछ गेम प्लान कर दिया है? मैं अच्छी बात हूँ क्योंकि अली तो मेरा पहले से दोस्त था। अगर मेरे साथ ऐसा गलत ऐसा करता तो मुझे बहुत दुख होता, एंड आई एम ग्लैड और दुख होने से पहले मैं निकल गई। हाँ ओके नैना, जो निक्की ने क्लियर किया है जान के लिए कि आप मेरे टाइप के नहीं हैं, आपको कहीं ना कहीं लगता है कि निकी ने बहुत ही लेट ये चीज क्लियर की है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब देख रहे थे कि निकी भी जान से थोड़ा अटैच दिख रही। नहीं, वो दोनों अटैच हैं, वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। अब बाकी बाकी मैं कुछ नहीं कह सकती, वो दोनों अच्छे दोस्त हैं तब मुझे भी पता है कि दे आर गुड फ्रेंड्स, उससे ज्यादा कम मुझे नहीं पता। अब ठीक मुझसे इन है लोगों नैना, के बारे में, मेरे बारे में पूछ लो अगर कुछ पूछना है, मेरे को किसी की बात नहीं करनी, मेरे सर दर्द हो गया। लास्ट क्वेश्चन, आपके एविक्शन के बाद फैंस से कितना प्यार मिला है? क्या कुछ डीएम और मैसेजेस आए फैंस की तरफ से, इवन सेलेब्रिटीज से? आई हैव गॉट द मोस्ट लॉयल फैंस एवर बिकॉज मुझसे, मैं तो लिटरली दुखी हुई ही नहीं जब से मैं बाहर आई हूँ शो के, और लोग मुझसे कह रहे हैं फोन कर करके, यार तू सैड क्यों नहीं है, तुझे क्या हो गया, तू तू उदास नहीं है लाइफ में। मैंने कहा मैं क्यों उदास, बिकॉज मेरे लिए खुशी की बात है क्योंकि टीवी में मैं दिखी नहीं, और मेरे लिए तो अच्छी बात है ना कि मैं आ गई और मेरा टाइम वेस्ट होने से बच गया, और मेरे फैंस आप बीन सो सैड कि रह रहे थे आपको तो दिखाई नहीं, बिकॉज बाय द एंड ऑफ द डे आई हैव डन रियलिटी शोज, इट्स नॉट दैट इट वाज माय फर्स्ट रियलिटी शो, आई हैव वर्क एंड आई इट वाज समथिंग कि किसी को भरोसा हो ही नहीं रहा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, या नैना मैं चुप रह जाऊं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एग्जैक्टली बट आई थिंक आई लव माई फैंस एंड आई थिंक दे लव मी टू। बस मैं उनसे ये कहना चाहूंगी कि अभी पिक्चर बहुत लंबी है, अभी निराश मत होइए, ये थोड़ा सा फेज था, एक छोटा सा फेज, ऐसे फेज भी आने लाइफ में जरूरी होते हैं क्योंकि आपको फिर और एक खींच मिलती है आगे बढ़ने के लिए। बिल्कुल सो जस्ट आई एम से आई वांट टू से दैट निराश मत होइए और मैं जल्दी वापस आती हूँ।